नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा MDF बोर्ड के ऊपर डीको पेंट कैसे होता है। दोस्तों सभी चीज बताऊंगा, वीडियो को एंड तक बने रहे दोस्तों, क्या क्या मटेरियल लगेगा सब चीज बताऊंगा। दोस्तों अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन को दबा दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में बेल आइकन को दबा दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा MDF बोर्ड के ऊपर पेंट कैसे होता है। दोस्तों सभी चीज़ मैं बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा दोस्तों, सभी चीज़ मटेरियल क्या क्या यूज़ होगा दोस्तों सभी चीज़ बताऊंगा। देखिए दोस्तों, दाने दाने से उठ के बहुत दिक्कत आएगा दोस्तों, क्योंकि मशीन के साथ ही रेगमा लगेगा दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आता है दोस्तों, काम में बहुत बारीकी से करना पड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मशीन मंगाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से बाय कर सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मशीन के साथ बहुत ही अच्छा रेगमा लगेगा दोस्तों, क्योंकि हाथ में दोस्तों बहुत दिन लग जाएगा दोस्तों, इसमें ही 2-3 दिन लग जाएगा दोस्तों रेगमा लगाने में दोस्तों, बहुत बारीकी, क्योंकि मशीन से हाथ से दोस्तों बहुत फर्क पड़ जाता है दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बाद में रेड कलर का बटन होगा उसको भी क्लिक कर दे सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों ऐसे ही पेंट पॉलिसी वीडियो लाते रहता हूँ। देखिए दोस्तों, 320 नंबर का रेगमाल है, कटाई कर रहे हैं दोस्तों रेगमाल, जो इसका जो डिज़ाइन निकला है इसका, जो थोड़े थोड़े से दाने दाने से रह जाते हैं दोस्तों गत्ते का, तो दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से रेगमाल लगाना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि रंग में चमकने लग जाता है दोस्तों, बाद में दिक्कत आएगा दोस्तों, क्योंकि दोबारा नहीं होगा जब पेंट अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों अच्छे तरीके से पहले रेगमा लगा ले, कटाई कुटुई है जो कि दोस्तों डिजाइन जो निकला हुआ है दोस्तों, इसमें अच्छे तरीके से रेगमा लगाएंगे। ANC प्राइमर है दोस्तों, डीको कंपनी का है दोस्तों, बहुत अच्छा कंपनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है दोस्तों, इसे पतना करने के लिए थिनर पड़ेगा दोस्तों, ANC थिनर पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, डीको कंपनी का ANC थिनर है दोस्तों, ANC थिनर 1 लीटर में कम से कम दोस्तों 500-600 ग्राम थिनर पड़ेगा, क्योंकि गाढ़ा होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ब्रश से नहीं होगा दोस्तों, गन से ही होगा, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है दोस्तों, ऑटो पेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला कोट अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मारना है दोस्तों, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, डिजाइन जो निकला हुआ है बीच में उससे अच्छे तरीके से लगाएंगे रेगमाल, बाद में सूखने के बाद प्राइमर पर अप्लाई करें अच्छे तरीके से दोस्तों। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, पूरा अच्छा आएगा दोस्तों, क्योंकि इसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1-2 घंटे के लिए दोस्तों ANC जो प्राइमर होता है बहुत जल्दी सूख जाता है दोस्तों, फिर भी दोस्तों 1 दिन के लिए हम छोड़ देंगे इसको, अच्छे तरीके से सूख जाएगा, उसके बाद दोस्तों रेगमाल लगाएंगे 320 नंबर का ऊपर प्राइमर के ऊपर दोस्तों, फिर लगाना है रेगमाल। तो देखिए दोस्तों, हमारा पूरा प्राइमर का काम फाइनल हो गया दोस्तों, ANC प्राइमर है दोस्तों, ग्रे कलर का होता है ANC प्राइमर, डीको कंपनी का, ग्रे वाइट दो ही कलर आता है दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों, प्राइमर पूरा हो चुका है दोस्तों, उसके बाद सूखने के बाद दोस्तों 320 नंबर का रेगमा लगाएंगे, उसके बाद पेंट अप्लाई करेंगे डीको कंपनी के दोस्तों। तो दोस्तों 320 नंबर का रेगमाल है दोस्तों, पूरा दबा के लगाना है रेगमाल दोस्तों, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, अच्छे तरीके से लगाना है, बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से लगाना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, नहीं तो पेंट में बहुत ज़्यादा चमकने लग जाएगा दोस्तों, बहुत बुरा लगेगा ऊपर, क्योंकि नीचे दोस्तों कटाई कुटाई होता है उसका, थोड़ा सा छूट जाता है दोस्तों, उसको अच्छे तरीके से रगड़ दे दबा के अच्छे तरीके से दोस्तों। डीको कंपनी का दोस्तों वाइट पेंट है दोस्तों, देखिए दोस्तों वाइट पेंट मैंने मंगाया था डीको कंपनी का दोस्तों, इसको पतला करने के लिए दोस्तों थिनर पड़ेगा, 1 लीटर में कम से कम 200-300 ग्राम थिनर पड़ेगा दोस्तों पतला करने के लिए, बाकी अपने हिसाब से बना सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा गाढ़ा लगे उसमें ज़रूर थिनर डालें, पतला करें इसको, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगाना दोस्तों, गाढ़ा क्योंकि यूज़ भी नहीं होगा दोस्तों कंप्रेसर के साथ। देखिए दोस्तों, पहले अच्छे तरीके से सफाई कर लें सभी रेगमाल, तो हमारा पूरा हो चुका है, गर्दा गुर्दा नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी वगैरह को भी साफ़ कर लें अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, ऐसे ही पेंट पॉलिश टेक्चर डिजाइन की वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों, अगर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। देखिए दोस्तों, कंप्रेसर में 0.5 लीटर का दोस्तों मेरे पास गन है दोस्तों, इसको अप्लाई करेंगे, हवा को भी दोस्तों कंप्रेसर को कम ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना तो उड़ेगा बहुत दोस्तों, दोस्तों क्योंकि आज बारिश पड़ रहा था इसलिए मैं अंदर कर रहा हूँ दोस्तों, आपको चमक थोड़ा सा कम आ रहा होगा दोस्तों, वाइट पेंट है दोस्तों, बहुत शाइनिंग है दोस्तों इसका, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं डेमो इसमें लगा दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा लगा दिया दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, चमक भी है इधर। देखिए दोस्तों, आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों साइड में, क्योंकि मैंने लगा थोड़ा सा, क्योंकि आज अंदर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रहा था दोस्तों आज,
देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, कहीं पर भी कर सकते हैं दोस्तों। एम डी ए बोर्ड लकड़ी हो, कोई सा भी चगाड़ चुगूट पर कर सकते हैं दोस्तों। डिको पेंट कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, टेंशन वाली बात नहीं है। कोई बात में प्रॉब्लम है जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें दोस्तों, उसका हम जरूर जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, पूरा लगा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो स्पीड करते हैं दोस्तों, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सी तेज़ करना पड़ेगा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हमारा पूरा फाइनल हो चुका है दोस्तों। बाहर में बहुत ज़्यादा व्हाइट लग गया दोस्तों, क्योंकि अंदर कर रहा हूँ दोस्तों, बारिश हो रहा था बाहर, तो उसे चमक भी बहुत है दोस्तों इसका। दोस्तों देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दोस्तों लग रहा है, बहुत अच्छे हो चुका है उसको डिजिटल प्रिंट। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा वीडियो पर बने रहे दोस्तों। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए दोस्तों।